बुद्ध जब परिनिर्वाण को हासिल होते हैं, जब बुद्ध की मृत्यु होती है, जब उनको निर्वाण प्राप्त होता है, तो उसके बाद उनके शरीर को जला दिया जाता है। शरीर को जब जलाया जाएगा उसके बाद आप देखते हैं तो रिमेन्स बचते हैं जिनको हम अस्थियां कहते हैं हिंदी में। उन अस्थियों को जिनमें दांत होते हैं, हड्डियां होती है और राख होती है, उन सबको इकट्ठा करके एक डब्बे में बंद कर दिया जाता था। एक छोटे से डब्बे में जब बंद कर दिया जाएगा, उस डब्बे के ऊपर आप देखेंगे एक छोटी सी पहाड़ी जैसी बना दी जाती थी। इस तरीके से डब्बा जो होगा जिसमें आपको जो दांत हो गए, बोन्स है और राख होगी, उसके ऊपर इस तरीके से मिट्टी का एक माउंट बना दिया जाता था। समय आगे बढ़ता गया तो इसी मिट्टी के माउंट के ऊपर आपने ईंटें जमा दी। अब और समय आगे बढ़ा तो इसी माउंट के ऊपर आपने पत्थर जमा दिए। तो इस तरीके से अब ये पत्थर जम जाएंगे, तो पत्थर जमने के बाद एक स्तूप बन गया। बाद में एक और राजा आता है तो इसके बाद आजू बाजू एक बाउंड्री बना देता है। बाद में कोई और राजा आएगा तो वो डिजाइन करके एंट्री के गेट बना देगा।